नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि साइबर क्राइम रोकने के लिए हुए बुडापेस्ट कन्वेंशन पर भारत ने हस्ताक्षर करने से किया मना। 23 नवंबर 2001 को हस्ताक्षर किए गए इस कन्वेंशन पर भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी के कोऑर्डिनेटर ने यह जानकारी एक समिट के दौरान दी। यह कन्वेंशन वैश्विक स्तर पर फैल रही साइबर क्राइम की घटनाएं तथा इंटरनेट पर होने वाले क्राइम को रोकने के लिए संबंधित देशों में कार्यरत है। भारत द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं करने के कुछ कारण इस तरह हो सकते हैं कि जब यह संगठन बना तो भारत उसका सदस्य देश नहीं था, तो भारत की राय इस पर नहीं ली गई थी तथा भारत की महत्वता को दुनिया ने नहीं समझा, क्योंकि अब भारत एक वैश्विक स्तर पर उभरती हुई शक्ति है तथा इस प्रकार के सभी संगठन भारत को अपने पक्ष में चाहते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि यह कोई संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन नहीं है, अतः इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठना वाजिब है, क्योंकि इस संगठन में कुछ देश ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के करीबी हैं तथा अभी की स्थिति को देखते हुए किसी शत्रु देश को भारत की खुफिया जानकारी देना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। रूस भी इस कन्वेंशन के दौरान आंशिक रूप से सक्रिय रहा, क्योंकि यह स्पष्ट है कि यह कन्वेंशन पश्चिमी देश तथा अमेरिका के प्रभुत्व वाला संगठन है, जिसके साथ भारत अपनी खुफिया जानकारी साझा नहीं कर सकता है। प्राइम न्यूज 24 द्वारा पहले भी सरकार को बढ़ते हुए साइबर खतरों के बारे में बताया जा चुका है और इस पर कई बार रिपोर्टिंग की है, जिसमें इसरो पर होने वाले साइबर अटैक, कुडनकुलम पर हुए परमाणु हमले एवं झारखंड से फैले साइबर नेटवर्क आदि शामिल हैं। अब भारत सरकार को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति का जल्द से जल्द समाधान करें। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।